कितने लोग हैं? 4। कहाँ से आए हैं? मदनपुरा। किस काम से? बिजनेस। कौन सा बिजनेस? बिजनेस मतलब बिजनेस। यार इतने बड़े शहर में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे, और यहाँ का पानी भी अच्छा नहीं है। ढूंढना पड़ेगा, उबला हुआ पानी पी के ढूंढेंगे। ए, संध्या आ रही है। एक्सक्यूज मी। ओहो, धूप में कलर छूटने लगा है बेबी। हाय मिनेचर, कहाँ जा रहे हो? कंप्यूटर मैकेनिक दूंगी अंकल। आंटी का हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करवाना। अरे बापरे, गाल लाल लाल हो गए। क्या कह रहे थे? कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा है अंकल। ओ अच्छा, मैकेनिक बुलाने जा रहे हो? कंप्यूटर बनाने वाले मैकेनिक नहीं होते, इंजीनियर होते हैं। ना अंग्रेजी नहीं आती। चलो मैं सिखा दूं। तुम्हारा चेहरा ताले की तरह क्यों लटका है? इसमें इतना डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं, मैं जाकर उसका अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ। ओके बाय। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। ए, तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? बात ये है कि हमको टाइम ने पास नहीं किया ना, इसलिए हम टाइम को पास कर रहे हैं। काम के ना काज के, दुश्मन नाच के, ये कहावत तुम्हारे लिए ही है। ऐसे खाली बैठे बैठे तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं नहीं भाभी जी, जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है, हम बॉडी बना रहे हैं और हम कसरत करके पसीना बहा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? ये काम नहीं कर रहा, ये कंप्यूटर है। अच्छा, मुझे लगा टीवी है। जीजा जी, वो मेरे कंप्यूटर के साथ छेड़खानी कर रहा है और आपसे कुछ बोल भी नहीं रहे। देख देख के मेरी आंखें पथरा गई है। आप कुछ करते क्यों नहीं है? बहुत कुछ करता था, मगर इसके आने से पहले। ओह गॉड। संध्या, योर सिस्टम इज रेडी। MS in computer science, gold medalist from university, okay? Every jobless is not necessarily hopeless. Take care. भाभी, भूख से दुबला पतला होता जा रहा हूँ। अभी लाई। पेट में चूहों की रेस शुरू हो गई है। हाँ तो किसी पर पैसा लगा दो। खाना खाते वक्त तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, फक्कड़। भाभी कहाँ है? चिकन में किचन बना रही है। बेरोजगार को आज एमएससी काम आ गई। नमस्ते भाभी। अरे संध्या, तुम पता है मैं तुम्हें अपने हाथ की डिश खिलाने के लिए बुलाने ही वाली थी। क्या खाओगी तुम, कबाब? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, बैठो यहाँ, 2 मिनट में बनाती हूँ। तो संध्या, तुम यहाँ रहोगी ना कुछ दिन? नहीं भाभी, कॉलेज शुरू होते ही मैं चली जाऊंगी। ओ तो तुम क्या पढ़ रही हो? BCom कर रही हूँ। भाभी, कृष्णा ने MSc कम्प्लीट किया है ना? हाँ बेटा। तो बेरोजगार क्यों बैठा है, कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेता? वो जॉब करता था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो कंपनी बंद हो गई क्या? नहीं बेटा, उसने रिजाइन कर दिया। ये तुम क्या बोल रहे हो? यस सर, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं है, मैं किसी भी तरह मैनेज कर लूंगा सर। मेरी जॉब इसे दे दीजिए सर, इसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं, इस जॉब की जरूरत मुझसे ज्यादा इसे है। नो, ये नहीं हो सकता सर। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के बारे में कोई नहीं सोचता। अच्छा, तो जब उसने जॉब छोड़ी तो आपको बुरा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। इस कलयुग में अपने मुंह का निवाला दूसरों को खिलाने वाले बहुत कम होते हैं, कृष्णा उनमें से एक है। ऐसे बेटे पर तो किसी भी माँ बाप को नाज होगा। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, इधर उधर क्यों ढूंढ रही हो? मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? तो क्या कर रही थी? मैं तुम्हारा घर देख रही थी। ज्यादा कमर लचकाओगी तो मुंह लगाना पड़ेगा। मूव। अबाउट टर्न। नाउ इट्स माय टर्न। क्या खुशखबरी सुनाई? यस बॉस, राजधानी एक्सप्रेस से आज वो बॉम्बे सेंट्रल आने वाली है। तुम जागते हुए बोल रहे या सोते हुए? मैं उसे चढ़ते हुए देख रहा हूँ। संभाल के जाना, लड़कों से बचना। तुम भी उस ट्रेन में चढ़ जाओ, देखना वो ट्रेन से उतरने ना पाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके बॉस। क्यों रे, जुआ खेल रहे हो?
अरे एसी ऑन नहीं किया, गर्मी लग रही होगी ना। मुझे लगा एसी ऑन है। तेरी एसी की तैसी, आराम करो। खाते पीते हो, सोते रहते हो, जब देखो तुम लोग जुआ खेलते रहते हो। तो फिर क्या करें? संध्या मुंबई आ रही है राजधानी से, स्टेशन पर उतरते ही उसे यहाँ उठा लाओ। तुम लोगों का हार्ट फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लान फेल नहीं होना चाहिए। जाओ काम पर लग जाओ। सुनो। हाँ भाई। सब अपने अपने जगह ले लो। ठीक है भाई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 2727 राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि अपने साथ सुरक्षा खुद सुबह मे आई हैव योर अटेंशन सुबह ट्रेन नंबर 727 रवि कल्बू मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दूंगा, मगर ये बताओ क्या तुम मेरी बहन को छोड़ देते? नहीं छोड़ते ना। हेलो बाबू, जब तक मैं जिंदा हूँ तू तो क्या, यमराज भी मेरी बहन को नहीं छू सकता, समझा? यमराज भी। वेलकम बहना। ये क्या भैया, इतने सारे लोगों को लेकर आए हैं? मैंने क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप ही क्या, तुम्हारे आने से हमें लग रहा है जैसे हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। चलो घर चलते। मैंने पहले कहा था वो तुझे छोड़ के चली जाएगी। देखा, लड़की के पीछे भागने से कुछ नहीं होता, भागने तो बस के पीछे भागो, पैसे बचेंगे। अगर तू दुनिया में ना आता तो तेरे माँ बाप का खर्चा बचता। वो तुझसे प्यार करती तो खबर देकर जाती। हाँ ये एकदम सही बोल रहा है। चुप रे, क्या वो न्यूज वाली है जो मुझे खबर देती? वो मुझसे टू साइड लव करती है क्योंकि उसने मुझे भैया नहीं कहा। एक दिन सैया जरूर कहेगी। वो वाली लड़की को छोड़, ये वाली लड़की कैसी है? कौन सी वाली रे? वो मैराथन दौड़ रही है वो। मर जाती तो? टंका यादव, मेरे पापा हैं। सॉरी, फिर से गलती हो गई, आपके फैमिली मैटर में पड़ गया। आपकी बेटी ने प्यार किया और आपको ये पसंद नहीं। एक बाप के लिए अपनी बेटी से बढ़कर कोई धन नहीं। अपने जिगर के टुकड़े को संभालिए। थैंक गॉड, एक डॉन से छुटकारा मिला। रेडी रेडीमेड रेडी। आपका सुहाग कहाँ है? आंगन में। आज आपका मौन व्रत है। वेरी गुड, कैरी ऑन भाभी, घर की शांति बनाए रखने के लिए ये व्रत सबसे उत्तम है। रेडीमेड। सविता, दिल करता तेरी आंखों में डूब के लगे। मेड, तुम पानी में कैसे गिर गई? प्यासा तो मैं हूँ। रेडीमेड, अरे कुएं में से क्या निकाल रहे हो, कुछ गिर गया है क्या? मेरी बाल्टी गिर गई है। बाल्टी बोल्टी भी है क्या? देखूं? बाल्टी मेरी गिरी है, तेरा क्यों पेट दुख रहा है? चल निकल यहाँ से। संध्या कुएं पे नहीं आई? संध्या से काली कोई नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, चिल्लाओ मैं। जल्दी बाहर निकालो नहीं तो पानी में आग लग जाएगी। अरे निकाल रहा हूँ ना, कितनी मोटी हो गई हो, क्या जरूरत थी इतना खाने की? अरे बाप रे, रस्सी टूट ना जाए। अकेले खींच पाओगे? नहीं, मसल्स बाद में दिखाना, पहले रस्सी तो खींच। साड़ी में मेंढक घुस गया है। बहुत भारी है। खींच खींच, जोर से खींच।
अरे मुझे नहीं, रस्सी को खींच। मैं खींच पाता तो तुझे क्यों बुलाता। चल खींच खींच, गेंडे की बेटी है, खींच। मैं तेरी आंखों में डूबने वाला था, तू खुद डूब गई। चलो ऊपर। अरे वाह, पानी में गिरने के बाद कितनी हेवी हो गई हो तुम। ये नाश्ते की जगह लंच जो करती है। चलो अच्छा है, नहा भी लिया। कोपचे में आना, कुछ पूछना है। जाके कपड़े बदलना। यार तूने मुझे बिना बताए संध्या को कहाँ भेजा है? अरे हाथ ना, तुझे क्यों बताऊँ? तो मैं बताता हूँ, पिक्चर देख। इमरान हाशमी कब बनोगे रेडी? इमरान हाशमी क्या? इसे मेल पर अपलोड करके तेरे साले साहब को भी भेजने की सोच रहा हूँ। मेरा MMS बनाने की क्या जरूरत थी? मैं को नेता हूँ, ये सब तो दुनिया को दिखाएगा। पापी तू चाहता क्या है? तो मुझे संध्या के पास ले चल। संध्या कोई बाबा है जो तुम्हें उसके पास ले चलो? वो झाड़ फूक करेगी तुम्हारा। उसका भाई मेरा साला तुम्हारी जान ले लेगा। नहीं बताएगा तो मैं भांडा फोड़ दूंगा। ऑटो का किराया दे दो। हाँ दे दो। मैं दे दूँ? हाँ। संध्या का घर तो कितना जानदार है ना? वक्त और हालात की बात है, तो तुम्हारे लिए जानदार है, मेरे लिए जानलेवा है। बिल दे और चल। बाय लागू बड़े साले जी। आओ रेडीमेड, इस महीने का खर्चा तो भेज दिया था, फिर कैसे आ गए? मुसीबत भी तो अचानक बिना बताए आती है। आएगी क्यों नहीं, तुम हरकतों से बाज नहीं आते। बाज आने से पर्दा फांस हो जाएगा। रेडीमेड, तुम दिखने में तो विलन लगते हो, ये कॉमेडी कब से करने लगे? साले जी, जब से मुसीबत आई है मैं ठीक से उठ बैठ और लेट भी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इंजेक्शन लगवा रखा है क्या? ये बीमारी इंजेक्शन वाली नहीं है, बंगाली बाबा के पास ताबीज लेनी होगी। ये तुम्हारे साथ कौन है? कृष्णा मेरे सर पे रहता है, मेरा मतलब ऊपर वाले घर में। नमस्ते सर। नमस्ते। चालाकी में कौवा, होशियारी में लोमड़ी है। अमेरिका से MBA करने की तैयारी कर रहा है। मैं इसके साथ इसलिए आया कि मुंबई में कहीं खो ना जाए, सीधा लड़का है। ओके, वो रूम तुम्हारे लिए। जी सर। अरे पूछना संध्या का है। क्या हुआ? वो इंजेक्शन वाले जगह पे इसका हाथ टच हो गया। तो इतना चिल्लाते हैं, इडियट, जाओ बर्फ से सेक लो।